अथ एकादशो अध्याय अवांतर सर्ग और प्रतिसर्ग का वर्णन मुने उचु सा सा कर नि सा पद नि सा नि ध प म ग नि सा राणी सर्वाणी कल्प भेद सर्वशः तेष्विन्वान्तरा सर्गम च प्रति सर्गम च नो वद। मुनि बोले हे देव, अन्य सभी मनमंत्रों समस्त कल्प भेदों और उनमें होने वाले अवांतर सर्ग तथा प्रतिसर्ग का वर्णन हम लोगों से कीजिए। वायुर्वाच काल संख्या विवृतस्य परार्थो ब्रह्मणः स्मृतः दिवसे दिवसे तस्य ब्रह्मणः पूर्वजन्मनः चतुर्दश महाभागा मनूनां परिवेक्तयः अनादित्वादनन्तत्व तकीयत्वचकेत्न सह मन्मन्तराणि कल्पाश्च। वायु बोले हे मुनियों, मैंने काल गणना के प्रसंग में कहा है कि ब्रह्मा की आयु परार्ध पर्यंत है। जब परार्ध काल पूर्ण हो जाता है तब सृष्टि विनष्ट हो जाती है। सबसे पहले उत्पन्न होने वाले उन ब्रह्मा जी के एक एक दिन में 14-14 मनुओं का काल व्यतीत होता है। अनादि अनंत तथा अज्ञेय होने से सभी मन्वंतर और कल्पों का वर्णन अलग अलग नहीं किया जा सकता है। स्वी च सर्वेषु शृण्वतां वचो मम किमि हस्ति फलं तस्मन् पृथगवत्वात्सहि। आप लोग मेरी बात सुनिए, उन सभी का वर्णन किए जाने पर भी उस वर्णन का कोई फल नहीं है, इसीलिए मैं उन्हें पृथक रूप से नहीं कह सकता। एव खलु कल्पेषु कल्पः सम्प्रति वर्तते तत्र संक्षेप्य वर्तन्ते हृष्टयः प्रतिश्रेष्ठयः यस्त्वयमर्थ ते कल्पो वराहो नमनामितः अस्मिन्नपि द्विजश्रेष्ठा मनवस्तु चतुर्दश। इस समय कल्पों के क्रम में जो वर्तमान कल्प चल रहा है उसी में संक्षिप्त रूप से सृष्टि और संहार होते हैं। हे द्विश्रेष्ठों, यह जो वराह नामक कल्प चल रहा है इसमें भी 14 मनु हैं। वायम भुवादयः सप्त सप्त सावर्णिकादयः तेषु वैवस्वतो नाम सप्तमो वर्तते मनुः। स्वयंभू आदि जो पूर्ववर्ती 7 मनु हैं तथा सावर्ण आदि जो उत्तरवर्ती 7 मनु हैं, उनमें इस समय 7वें वैवस्वत मनु वर्तमान है। मन्वंतरेषु सर्वेषु सर्ग संहार वेत्तयः प्रायः समाभावन्तीति तर्क कार्यो विजानता। सभी मन्वंतर में सृष्टि और संहार का क्रम समान ही होता है, विद्वानों को ऐसा जानना चाहिए। कल्पे परावृत्ते अवृत्ते कालमारुते समुन्मूलिता मूलेषु वृक्षेषु च वनेषु च जगन्ति तृण वस्त्रेण देवे दहति पावके वृष्ट्याभुवि निषेतायां विवेलेश्वर वेषु च भिक्षु सर्वासु मग्नासु मणिपुरे महीयसे तदद्यश्चतु लक्षेप तरंग भुज मंडलः प्रारब्ध चंड नेतेषु ततः प्रलय पादिषु ब्रह्म नारायणो भूत्वा पुष्पकुसलिले सुखं
इमं चोदाहरण मंत्रम श्लोकं नारायणं प्रति कृष्णधम मुनि श्रेष्ठ तदर्थं चक्षुराशयम् आपो नारायणे प्रोक्त आपो नरसिंह आयनं तस्य तायस्मत् इन नारायणस्मित। इस कल्प के पहले जब प्रलय काल उपस्थित हुआ तब बड़े जोर से आंधी चलने लगी, वृक्ष एवं वन उखड़ कर नष्ट हो गए। अग्निदेव ने तीनों लोकों को तृण के समान जला डाला। वर्षा से पृथ्वी भर उठी, सभी समुद्र उद्वेलित हो उठे, महान जलराशि में सभी दिशाएं मग्न हो गईं। उस प्रलयकालीन जल में समुद्र अपनी चंचल तरंग रूपी भुजाओं को ऊपर उठा उठा कर भयानक नृत्य करने लगे। उस समय ब्रह्मा जी नारायण रूप होकर सुख पूर्वक जल में शयन कर रहे थे। उन नारायण के प्रति यह मंत्रात्मक श्लोक कहा गया है। हे मुनि श्रेष्ठों, अक्षर परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले उस अर्थ को सुनिए। जल को नार कहा गया है क्योंकि उसकी उत्पत्ति भगवान नर से हुई है। वही जल पूर्व काल में उनके रहने का स्थान हुआ, इसीलिए उन्हें नारायण कहा गया है। शिव योगी स्तोत्र प्रबोधयामासु प्रभात समये सुरः यथा सृष्ट्यादि समये ईश्वरं श्रुतयः पुरा ततः प्रबुद्ध उत्थाय शयनात्तोय मध्यगा उदच्छतादिशः सर्व युगनिद्रान सक्षणः। इसके पश्चात प्रातः काल उपस्थित होने पर शिव योग में निद्रा लेते हुए देवेश्वर नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी को जन लोक निवासी सिद्धगण तथा देवता हाथ जोड़कर अनेक प्रकार के स्तोत्रों से जगाने लगे। जैसे पूर्व काल में सृष्टि के प्रारंभ में श्रुतियां ईश्वर को जगाती रहती हैं, तब योग निद्रा से अलसाए नेत्रों वाले वे नारायण स्वरूप ब्रह्मा जी निद्रा त्याग कर तथा जल के मध्य में स्थित शैया से उठ करके सभी दिशाओं को देखने लगे। सविस्मय इवासीन नरं चिन्तम् उपागमत् त्वस भगवती याति मनोज्ञा महती महि नानाविध महाशैल नदी नगर पानुना। जब उन्होंने अपने अतिरिक्त कुछ भी नहीं देखा तब विस्मित होकर यह चिंता करने लगे। अनेक प्रकार के महाशैल नदी नगर तथा वन वाली मनोहर एवं विशाल जो ऐश्वर्यशाली पृथ्वी थी वह कहाँ चली गई? एवं संकेत्यायन ब्रह्म पति। इस तरह सोचते हुए ब्रह्मा जी को जब पृथ्वी की स्थिति का ज्ञान नहीं हुआ तो वे अपने पिता भगवान सदाशिव का स्मरण करने लगे। तब अमित तेजस्वी देव सदाशिव का स्मरण करते ही धरणीपति ब्रह्मदेव ने जान लिया कि पृथ्वी जल में निमग्न है। जल क्रीडोचित दिव्यम वराहम रूपम स्मरत महापर्वत वर्षमाण महाचल दनिस्वनम नीलमेघ प्रतिकाशम इति शब्दम भयानकम विनवृत घन स्कंध विनुनत कटितटम विश्वृतोरुजङ्घाग्रं सुतीक्ष्णकुरुमण्डलं पद्मरागमणिप्रख्यं नित्याभीषणलोचनं नित्यदीर्घमहागात्रं सप्तकर्णसलोचनं उद्दीर्णोच्छ्वासैः श्वास पुरणीतप्रलयानुभवम् चित्र महारत्न परिष्कृतम विराजमानं संघमतम अस्थाय विपुलं रूपं परमामितं विधे कृत
तत्पश्चात पृथ्वी का उद्धार करने की इच्छा वाले प्रजापति ने जल क्रीड़ा के योग्य दिव्य वरा रूप का स्मरण किया। महान पर्वत के समान शरीर वाले, महामेघ के समान गर्जन वाले, नील मेघ सदृश कांति वाले तथा उत्कट भयानक शब्द करते हुए मोटे सुपुष्ट तथा गोल कंधे वाले, मोटे एवं ऊंचे कटि प्रदेश वाले, छोटे एवं गोरु उरु तथा जंघा के अग्रभाग वाले, तीक्ष्ण खुर मंडल वाले, पद्मराग मणि के समान आभा वाले, गोल एवं भयानक नेत्र वाले और दीर्घ गोल गात्र वाले, स्तब्ध तथा उज्ज्वल कर्ण प्रदेश वाले, छोड़े गए दीर्घ श्वासोच्छ्वास से प्रलयकालीन समुद्र को क्षुब्ध करने वाले, बिखरे अयलों से आच्छन्न कपोल एवं स्कंद भाग वाले, मणिजनित आभूषणों तथा अद्भुत महारत्नों से अलंकृत मानव विद्युत से सुशोभित ऊंचा मेघ मंडल ही स्थित हो, ऐसे अत्यधिक विशाल वरा रूप को धारण करके पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ब्रह्मा जी रसातल में प्रविष्ट हुए। लिंगाकृतेर्माहेशस्य पद्मलम्बपालिका रतससलिले मग्नं पृथिवीं पृथिवीधरः उद्धृत्य लिङ्ग्यादन् श्राव्य मुमजरसात्फला। पर्वत के समान विशाल शूकर रूपधारी वे ब्रह्मा जी शिवलिंग के पाद पीठ के समान अत्यंत शोभायमान हो रहे थे। इसके पश्चात वे जल में निमग्न पृथ्वी को उठाकर अपने दाढ़ के ऊपर धारण कर सतल के ऊपर आए। उन्हें देखकर जनलोक निवासी मुनि एवं सिद्धगण हर्षित होकर नृत्य करने लगे और उनके मस्तक पर फूलों की वर्षा करने लगे। वापुर महावराहस्य ऋषुभे पुष्प संवृतम् पतिदेव खाद्योतम् चाशुरंजन पर्वतः। उस समय पुष्पों से आच्छादित महावराह का शरीर उड़ उड़ कर गिरते हुए खद्योतों से आवृत अंजन पर्वत के समान शोभायमान हो रहा था। संस्थान मानी वराहो महती मही स्वमेव रूपमास्थाय स्थापयामस वैभु पृथिवीं च समीकृत्य पृथिव्यां स्थापयन् गिरि पुराद्या चतुरो लोकान् कल्पयामस पर्वत प्रीति सह महति मही मही ग्रह पलाया महाजल निर्धस्तवाद्या उपरी च विनिवेश विश्वकर्म चरम चरम च जगत ससर्ज भूयः। तत्पश्चात भगवान वराह ने महती पृथ्वी को हिलाकर अपना रूप धारण करके उसे यथास्थान स्थापित कर दिया। उन्होंने पृथ्वी को समतल करके उस पृथ्वी पर पर्वतों की स्थापना करते हुए पूर्व की भांति भू आदि चार लोकों को भी स्थापित किया। इस प्रकार प्रलयकालीन महासागर के नीचे स्थित जल के बीच से पर्वतों सहित विशाल पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित करके पुनः उन विश्वकर्मा ने उस पर चराचर जगत की रचना की। श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवी संहितायाम पूर्व खंडे शिष्यादि वर्णनम नामकदशो अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत सातवीं वायवी संहिता के पूर्व खंड में शिष्यादि वर्णन नामक ग्यारहवां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।